I got off the wires. When I close my eyes, disconnect. Welcome to my channel, friends. Please, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे राजनीति के तीसरा वीडियो अब मैं लेके आया हूँ, क्योंकि दो वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और आप हर वीडियो को शेयर करते रहें और हर वीडियो को लाइक भी करते रहें, क्योंकि हमें इससे जो है मोटिवेशन मिलता है और हम आगे वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। भारत में जो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, कम से कम 10 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 या 20 क्वेश्चन हर वीडियो के अंदर हम पूछते हैं और हर वीडियो के अंदर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को ही लेने की कोशिश हम करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो आंसर होगा, यहाँ पर जो है पुराना डाटा दिया है तो यह ध्यान रखना, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सिक्किम एक नया राज्य बना है कब, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह ध्यान रखना, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ठीक है, गोवा। कौन सा गोवा? किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? तो ये है दिल्ली। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को किन जो राज्यों और कितने संघ राज्य बनाए गए थे, कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए गए थे? 1 नवंबर 1956 की बात यहाँ पे हो रही, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो ये ध्यान रखना, 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर है जो भारत का अभिन्न अंग बना था, 26 अक्टूबर 1947 को। अभी याद कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद में आपको पूछूंगा, बाद में आप गलत करोगे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा। सिक्किम निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया राज्य बना है? तो ये ध्यान रखना, 36। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये ध्यान रखना, 6। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के जो है तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? तो ये आपको ऑप्शन पढ़ने, तो इसका ये आधारभूत जो अंतर है वो ये है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। इसका आंसर होगा 3 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो ये है विधिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के संपत्ति के जो अधिकार को मूल अधिकार की सूची में निकाल दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978। और निम्न में से कौन सा अधिकार है जो संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों टाइम मैंने लिया है 3 मिनट 27 सेकंड और सवाल हमने कर लिए हैं 13। कितने? 13 सवाल। अब ये 13 के 13 सवाल आपको आते हैं या नहीं आते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल, इसके अंदर थोड़ा मिस्टेक थी, तो ये तो आपको आता ही होगा, सिक्किम। हाँ, इस सवाल का आंसर आप मुझे बताइए। अगला सवाल ये है आपके लिए, इस सवाल का आंसर, एक सवाल है जो मैं आपको पूछता हूँ। हाँ, ये सॉरी, ये जो मेन सवाल अपने लिए यही बनता है, जम्मू कश्मीर है भारत का जो है, जम्मू और कश्मीर है जो भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो इसका आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947 को। तो ये सवाल है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया ना। सिक्किम निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 36 है ना। तो ये सवाल
है दोस्तों आपके लिए, और आप वीडियो आपको कैसा लगा, 3 मिनट के अंदर हमने 13 सवाल किए, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।